बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इस समय अपनी आने वाली फिल्म कुली नंबर वन को लेकर खूब सुर्खियों में छाए हुए हैं। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है और इस फिल्म को 1 मई 2020 को रिलीज किया जाना है, लेकिन ऐसे में वरुण धवन की अगली फिल्म का भी ऐलान होता दिखाई दे रहा है। बताना चाहेंगे, सुपरस्टार वरुण धवन काफी समय से धमाकेदार फिल्में देते चले आ रहे हैं और इस समय फिल्म कुली नंबर वन के रीमेक को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। लेकिन इसके अलावा उनकी एक और फिल्म को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं, जिसमें वो निर्देशक श्रीराम राघवन के साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के टाइटल को लेकर काफी समय से कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इसका टाइटल सामने आ गया है जो कि काफी ज्यादा लाजवाब है। खबरों की माने तो वरुण धवन की इस फिल्म का नाम 21 होने वाला है और इस फिल्म में वरुण धवन अरुण खेतरपाल का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं और इसमें वो एक रियल लाइफ किरदार निभाने वाले हैं, यानी एक रियल कहानी पर बेस्ड होने वाली है वरुण धवन की अगली फिल्म। राघवन ने साल 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल पर फिल्म बनाने को लेकर कुछ वक्त पहले अरुण खेतरपाल के जन्मदिन के मौके पर ऐलान किया था और अब इसका नाम ही फाइनल हो गया है। और इस बात में कोई शक नहीं कि वरुण धवन पहली बार कोई ऐसी फिल्म करने जा रहे हैं जिसके लिए उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड चल रहे हैं। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, वरुण धवन बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जो हमेशा से ही काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। उनकी पिछली रिलीज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और इस समय कुली नंबर वन के रीमेक को लेकर वरुण धवन काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब उनकी अगली फिल्म 21 को भी लेकर खूब सुर्खियां छाई हुई हैं, जिस फिल्म में वो एक रियल कहानी पर नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय और इस खबर पर आपको क्या कहना है, कॉमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।